दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्यार की जो होता दोनों तरफों से है लेकिन कुछ वजह होती है जिंदगी में जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम पे उसके लिए कुछ लाइन है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे प्यार की जो स्टार्ट होता है प्यार से लेकिन ख़त्म होता है धोखे से। तो वो हम करेंगे रैप की तरफ, ठीक है। तो अभी मुझे फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा, जो लाइनें हैं वो मेरे याद है नहीं और जो लिख रैप है वो मेरे याद है तो मैं वो बिना रैप उसको बिना फोन करूँगा। तो स्टार्ट होती है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ दिल नवाजे की, मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ दिल नवाजे की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से, न मेरे दिल की धड़कन धड़खड़ाए तेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कसम कस का राज आंखों से। तुम भी कोई उलझन, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती होगी पेशकदमी से, तुम्हें भी तो कोई उलझन रोकती होगी ना कि तुम पेशकद आके नहीं बोल सकती। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मुझे भी लोग कहते हैं कि सारे जो जलवे हैं ना वो सारे पराए हैं, मेरे हमराह की भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह की भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तरुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, यदि एक रोग हो जाता है इंसान को उसको भूल जाओ यार, आगे बढ़ो, तल्लुफ बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, एक चीज ऐसी होती है जिंदगी में जो बोझ बन जाए तो उसको छोड़ दो यार, उसके पीछे मत भागो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना मुमकिन, अफसाने जिंदगी में ऐसे होते हैं जो दिखते हैं यार मुमकिन नहीं हो सकते, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये है उस प्यार के लिए। बढ़िया, अब बात करते हैं उस चीज की, उस प्यार की जो खत्म होता है किससे, धोखे से। तो उस टाइम कैसे उस एनर्जी को, उस एनर्जी को इंसान कैसे डायरेक्शन दे सकता है अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अपन बात करते हैं। बढ़िया। तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझी आ जाऊंगा सड़कों पे, ऐसा ना तू सोच न छोरी, एवरीडे मेरी न्यू लव स्टोरी, पहले तू मेरी बात न गोरी फिर बोली तू बीएम सॉरी, चल वे चल दी साइड में हो जाए, ढूंढ ले अपना आशिक दूजा, एरा गहरा लू तू गहरा कुरासा सहरी दूजा, जा कर ले तू उससे शादी फिर सुनू तेरी बर्बादी, धोए की तू कच्चे और गंदे बर्तन, बन के रह जाएगी हाउस बीवी और तेरा यार होगा ऑन टीवी, टीवी देख के बहुत पछताएगी, यो यो आंखें चिंगी तो तू गाएगी अपने बच्चों को सुनाएगी, यही बतलाएगी बच्चों गलती से ना होता ये पाप, यही होते तुम्हारे बाप। वाह, ये अपना छोटा सा होता। तो दोस्तों इन चीजों को दिल में नहीं लेना और आराम से एंजॉय करो अपनी जिंदगी को।